आयत नंबर 204। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमिनन नासि मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया व यशहदुल्लाह अला मा फी कलबिही व हुवा अलदुल खिसाम। देखिए, इससे पहले जो बातें हुई ना, ये आयत हज थे, यानी हज के मुतालिक बातें सब थी। अब आयत हज खत्म, अब अल्लाह तबारक व तआला यहां से दूसरी चीज शुरू कर रहा है ना। क्या शुरू कर रहा है? मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। अभी इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज का जिक्र किया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ दुनिया के ताल्लुक से दुआ मांगते हैं, एक वो लोग हुए, और कुछ लोग ऐसे थे जो दुनिया के ताल्लुक से भी दुआ मांगते थे और आखिरत के ताल्लुक से भी दुआ मांगते थे, है ना। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आयत हज में बयान फरमा दिया। अब देखे मुनाफिकीन किस तरीके से दुआ करते थे। अब मुनाफिकीन का वक्त के बारे में देखे, वमिनन नास, लोगों में से एक शख्स ऐसा है, मैं युजिबुका कौलु फिल हयाति दुनिया, जिसकी बात आपको दुनिया की जिंदगी में अच्छी लगती है, वह युशहिदुल्लाह अला मा फी कलबिही वह अलदुल खसाम, और वह अपने दिल के खुलूस पर अल्लाह की गवाही देता है, और वह अपने दिल के खुलूस पर अल्लाह को गवाह बनाता है, वह हुआ अलदुल खिसाम, हालांकि वो सबसे ज्यादा झगड़ालू है, सबसे ज्यादा झगड़ालू। यहां पर देखे, यानी कुछ लोग है ना दुनिया में अच्छी अच्छी बात करेंगे ना, अच्छी अच्छी बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अच्छी अच्छी बात करेंगे, फर्स्ट टाइम उसे मिलिए तो अच्छी अच्छी बात करेंगे, उसकी बात ही आपको क्या, वो अपने जाल में फंसा लेता है ना, फिर आप उसका जो है ना उसी का होकर के रह जाते हैं, भाई मौलाना साहब ने ऐसा किया ऐसा किया, अरे फला आदमी जो है ना ऐसी से बात, बड़ी अच्छा आदमी है, हम एक मिनट उनसे बात किए तो पूरा मेरा दिल जीत लिया उन्होंने, है ना भाई, कुछ लोग है ना ऐसे। तो कभी भी जो है ना इंसान को किसी पर डायरेक्ट भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, डायरेक्ट भरोसा नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है, जाहिर सी बात है, हम आपसे पहली बार तो मिले तो हम आपसे झगड़ा करके बात करेंगे क्या, गाली देकर के बात करेंगे? नहीं, आपसे बात करें तो अच्छी तरीके से बात करेंगे, लेकिन इंसान की हकीकत कब पता चलता है? बात आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है ना कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है। अब यहां से अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाता है कि ये मुनाफिकीन ऐसे है ना कि जो ना दुनिया की चाह रखते हैं ना आखिरत की चाह रखते हैं, यानी वो दुनिया को भी बर्बाद करते हैं और आखिरत को भी बर्बाद करते हैं। वो किस तरीके से, देखे ये इस आयत की शान नुज़ूल में बयान करता है, उसको देखे। ये आयत जो है ना, यानी लोगों में से कुछ लोग, एक इंसान है ना जो जिसकी बात दुनिया की जिंदगी में आपको भा जाएगी, अच्छी लगती है, लगेगी, है ना, और वो लोग इस पर अल्लाह अपने दिल पर, वो अपने दिल में अल्लाह के खुलूस पर गवाही भी देता है, हालांकि उसके करीब जब जाएंगे ना तो पता चलेगा कि वह हुआ अलदुल खसाम, ये तो बहुत बड़ा झगड़ालू इंसान है, बस समझा रही ना। चलिए, तो ये आयत की शान नुजुल ये है कि ये आयत अखनस बिन शरीक के मुतालिक नाजिल हुई। अखनस बिन शरीक जो था ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास गया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास गया, है ना, तो और कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं इस्लाम लाने का खाहा हूं, मैं इस्लाम लाने का मुरीद हूं, मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसकी बात अच्छी लगी, तो मेरे आका ने फरमाया ठीक है, तुम इस्लाम कबूल कर लो, अच्छी बात है। तो जब वो इंसान इस्लाम कबूल कर लिया ना, है ना, तो उस इंसान ने कहा कि मैं इस्लाम को कबूल कर लिया हूं और अल्लाह खुद जानता है कि मैं अपनी बात में क्या हूं, सच्चा हूं, यानी हुजूर को ऊपर जो है ना, हुजूर को बिलीव कर दिला रहा है वो इंसान कि मैं ईमान ला लिया हूं, है ना, और अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि मैं कैसा हूं, और कसम इस पर खाई कि वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यहां आया था, फिर जब के इसीलिए यहां आया था कि वो ईमान लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ दे करके बैत हो जाए, यानी इस्लाम को कबूल कर ले, ठीक है। लेकिन उस इंसान का मामला यह हुआ कि जब वो इंसान, यानी अखनस बिन शरीक, जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास ईमान लाने के बाद वहां से उठा ना, तो जब वहां से बाहर गया ना, तो रास्ते में मुसलमानों को उजाड़ते हुए चला गया, मुसलमानों के जानवरों की पूंछे काटता हुआ चला गया। बताइए, इतने बदबख्त इंसान भाई, जानवर को की पूंछ काटने की क्या जरूरत है। एक हदीस पाक देखे समझ में आएगा, उसमें तफसील है।
सदी बयान करते हैं, ये इमाम जरीर तबरी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि सदी बयान करते हैं कि अखनस बिन शरीक सकफी बनु जहरा का हलीफ था, वो मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और इस्लाम का इजहार किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसकी बात अच्छी लगी। उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करने आया हूं और अल्लाह खूब जानता है कि मैं अपनी बात में क्या हूं, सच्चा हूं, यानी मैं इस्लाम कबूल करने यहां आया हूं। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास से वो इंसान उठा तो मुसलमानों के खेतों को बर्बाद करता हुआ चला गया। मुसलमानों के गधों के पास से जब गुजरा तो उसने गधों की कूंचे काट दी, कूंच का मतलब पूंछ, पूंछ को काट दी। तब उसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वमिनन नास मन युजिबुका कौलुहु फिल हयाति दुनिया वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल खसाम, कि लोगों में से एक शख्स ऐसा है जिसकी बात आपको दुनिया की जिंदगी में अच्छी लगती है और वह अपने दिल में अल्लाह के खुलूस पर गवाही देता है, हालांकि वो सबसे बड़ा झगड़ालू इंसान है। वइदा तवल्ला, देखिए यहां पर अलद्दुल खिसाम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अलद्दुल खिसाम का क्या माना है? एक तो यहां माना यह समझ में आया तर्जमा से कि अलद्दुल खिसाम का मतलब है बहुत बड़ा झगड़ालू इंसान, ठीक है। लेकिन मुजाहिद ने क्या कहा, हाफिज सुयूती बयान करते हैं कि मुजाहिद ने कहा कि जो शख्स कज बहस हो, मतलब टेढ़ा बात करता हो, कुछ लोग है ना जो बातें टेढ़ी करते हैं, आप कहिएगा आम तो वो जो है ना आम कोई बोलेगा तो टेढ़ा होकर के बोलेगा, है ना, वो उससे बात कीजिएगा ना तो उसके बात में भी टेढ़ापन होता है। तो कुछ लोग टेढ़ा होते ही है, मतलब बात करने के अंदाज में टेढ़ा होते, ऐसे टेढ़ा नहीं कि इंसान सही सीधा है, वो ऐसे है, ऐसा नहीं है। टेढ़ा होने का मतलब क्या है? टेढ़ा होने का मतलब कि उसको अच्छी बात कहो ना तो उस अच्छी बात को भी बयान करेगा तो थोड़ा सा वो अपने स्टाइल में टेढ़ा होकर के बयान करेगा, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। मुजाहिद ने यह भी कहा कि देखिए अलद्दुल खिसाम का माना हर धर्म है। हर धर्म का मतलब क्या है? मतलब हम कह दिए ना कि ये जो है ना ग्लास है, आप लाख कहते रह जाए ग्लास है हम नहीं मानेंगे। हर धर्म का मतलब क्या है? हर धर्म का मतलब ये कि आप कहते जाए कि मौलाना साहब ये ग्लास है, आप मानिए, देखिए इसमें पानी है, देखिए ऐसे पिया जाता है, और पी करके भी बता देना तो वो इंसान कहेगा कि हम नहीं मानेंगे, तब क्या कर लीजिएगा, हम नहीं मानेंगे, बस बात खत्म। कितनों दलील देते रह जाइए हम नहीं मानेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? हट धर्म बोलते हैं। तो मुजाहिद ने कहा अलद्दुल खिसाम का मतलब क्या? हट धर्म है, है ना। एक ये भी बताया कि अलद्दुल खिसाम का मतलब क्या? जालिम इंसान है। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। हजरत आयशा ने बयान किया कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे मबगूज शख्स अलद्दुल खिसाम है, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा शख्स वो इंसान है जो अलद्दुल खिसाम है, और अलद्दुल खिसाम में सबसे बड़ा झगड़ालू भी आएगा, जालिम इंसान भी आएगा, और हट धर्म इंसान भी आएगा, और टेढ़ी बात करने वाला भी इंसान होगा। इमाम तिर्मिजी ने कहा, देखिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे गुनहगार होने के लिए यही काफी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। ये बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने क्या कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे गुनहगार होने के लिए बस यही काफी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो, यानी तुम हमेशा झगड़ते रहो, यही काफी है कि तुम क्या हो, गुनहगार इंसान हो। अच्छा, इमाम बैहकी ने अब्दुल्लाह इब्ने अम्र बिन अल ओला से रिवायत किया कि जब दो शख्स झगड़ा करते हैं ना तो जो ज्यादा बुरा होता है वो गालिब आ जाता है। मतलब जब दो इंसान झगड़ा करता है ना तो जो सब जिसकी गलती हो वही क्या होता, अक्सर गालिब आ जाता है, होता है ना ऐसा, भले कि हमसे और आपसे झगड़ा हो रहा है ना, और हम जालिम इंसान है, ठीक है, तो जीतेंगे हम ही, ऐसा होता है ना मामलात में। कुछ लोग क्या होते हैं, सूफी टाइप के होते हैं, आए आप आए एक थापर मार करके चले गए, खामोश हम रहे, तो झगड़ा में क्या होता है। इमाम बैहकी ने रिवायत किया कि जब दो शख्स झगड़ा करते हैं ना तो जो ज्यादा बुरा हो इंसान होता है ना वही क्या होता है, इंसान पर कामयाब हो जाता है, यानी वो इंसान पर क्या होता है, गालिब आ जाता है। एक बहुत अहम चीज देखिए, इमाम अहमद हजरत अबू दरदा से रिवायत करते हैं कि तुम्हारे गुनाहगार होने के लिए ये काफी है कि तुम हमेशा
हमेशा लड़ते रहो, यानी तुम हमेशा लड़ रहे हो तो तुम्हारे गुनहगार होने के लिए क्या है, काफी है, और तुम्हारे जुल्म के लिए ये काफी है कि तुम हमेशा क्या करो, झगड़ते रहो, और तुम्हारे झूठा होने के लिए काफी है कि तुम हमेशा बातें करते रहो, यानी तुम हमेशा बातें करते रहो तो ये तुम्हारे झूठा होने के लिए क्या है, काफी है। इसी वजह से एक हदीस पाक में आया, मन समता नदा, कि जो इंसान खामोश रहता है ना वो कामयाब होता है। तो खामोश रहने का मतलब क्या है, खामोश रहने का मतलब ये कि फालतू में बोलते ना रहे, बक 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 करते ना रहे, क्योंकि जो इंसान बक बक करता है ना तो जो ज्यादा बोलता है ना, जो ज्यादा जबाने चलाता है ना, उतना ज्यादा फंसते चला जाता है। इसी वजह से कहा कहा गया कि तुम्हारे झूठा होने के लिए यही काफी है कि तुम हमेशा बातें करते रहो। अब एक बात बताइए, औरतों का मामला क्या है, एक औरत को दूसरे औरत को फोन लगा दीजिए ना, फोन दे दीजिए, तो वो इतना बात करेगी ना, इतना बात करेंगी उनकी बातें खत्म ना होगी। अब क्या बताएं आप, अब यहाँ पर क्या कहिएगा इस बारे में, आप खुद फैसला कर सकते हैं। मर्द भी अगर होंगे तो वो भी इसी जुमरे में आएंगे, कोई औरतें खास नहीं है, मर्द भी इसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आम है, हुक्म आम है तो आम है। चलिए, अबू दर्दा रिवायत करते हैं कि जो बहुत बातें करता है वो बहुत बड़ा झूठ, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है ना। और कुछ लोगों को तो मालूम है, कुछ लोगों को का मामला यह है कि जब तक झूठ नहीं बोलेंगे ना उनका खाना हजम ही नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, सही बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं ना, जब तक वो झूठ नहीं बोलेंगे ना उनका खाना हजम ही नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे भी है ना, जब तक गीवत ना करे उनका, उनके मुंह में पानी पछता ही नहीं है, पेट में पानी पछता ही नहीं है। बात समझा रही ना, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, वइदा तवल्ला सआ फिल अर्द लियुफसिद फीहा वयुहलिकुल हर्थ वन नसला, यानी अल्लाह फरमाता और जब वो पीठ मोड़ कर जाता है तो उसकी ये कोशिश होती है, वइदा तवल्ला सआ फिल अर्द, और वह जब जमीन में पीठ मोड़ करके जाता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि लियुफसिद फीहा वयुहलिकुल हर्थ वन नसला, तो उसकी ये कोशिश होती है कि जमीन में नस्ल, जमीन में फसाद बर्पा करे और खेतों को बर्बाद करे और जानवरों को हलाक करे। कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि उसको बोली ना बाबू थोड़ा सा सीधे चलो ना, तो और टेढ़ा होकर के चलने लगता है। कुछ लोग है ना, उसको समझाइएगा बाबू थोड़ा सा गाड़ी यार आहिस्ता चलाओ, टकरा जाओगे फिर मर जाओगे, हादसा हो जाएगा। उसको जब बोलिएगा ना तो उसको देखिएगा और ज्यादा तेज गाड़ी चलाने लगेगा। किसी लोग किसी को कह दीजिए बाबू साइकिल चला रहे हो ना, थोड़ा आहिस्ता साइकिल चलाओ, किसी को ठोक दोगे तब क्या होगा, तो वो जो है ना अपने आपा में आ जाता है, वो ऐसा लगता है कि उसकी इज्जत पर ये बात बनाई है, ये हमको बोला है, हम आहिस्ता साइकिल चलाएंगे, अरे हम आहिस्ता चलाएंगे, अरे तुम नहीं चलाओगे तो कौन चलाएगा, कौन चलाएगा भाई, हम साइकिल आहिस्ता ना चलाएंगे, बाइक आहिस्ता ना चलाएंगे तो कौन चलाएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब उसको बताएंगे ना आप तो वो क्या होते हैं, वो और ज्यादा स्टाइल दिखाने लगते हैं, है ना। उसी के बारे में वइदा तवल्ला सआ फिल अर्द लियुफसिद फीहा वयुहलिकुल हर्थ वन नसला, कि जब फिर जब वो पीठ मोड़ करके जमीन में जाता है ना, क्यों जाता है, लियुफसिद फीहा, ताकि वो जमीन में फसाद फैलाए, वयुहलिकुल हर्थ, ताकि वह खेतों को बर्बाद करे, वन नसला, और नस्लों को हलाक करे। तो ऐसे लोग देखते हैं ना, जब बात नहीं मानते वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है, किसी को ठोक देता है, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर जाता है ना, किसी को मौत के घाट उतार देता है ना, या फिर जो है ना कहीं गए किसी किसी के घर ही में जाकर के ठोक दिए, किसी के जानवर में जाकर के ठोक दिए। तो ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह तबारक व तआला ये फसाद पैदा करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है ना। इसलिए आप गाड़ी भी चलाए ना, आप अगर चार चक्का कार भी चला रहे हैं ना या बाइक भी चला रहे हैं तो समझ के चलाइए, आगे पीछे देख करके, ऐसा ना कि किसी को ठोक दीजिए आप, है ना, ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जानबूझ करके किसी को ठोकते हैं ना तो गोया कि आप जमीन में फसाद फैलाना चाहते हैं। उसी को अल्लाह फरमाता वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह तबारक व तआला फसाद करने वालों को पसंद, अल्लाह तबारक व तआला फसाद को नहीं पसंद नहीं फरमाता है। वइदा क़ीला लहु तक़िल्लाह अख़ज़त लिल्इज़्ज़ह बिल्इस्म फहस्बुहु जहन्नम जहन्नम वलबिस अल-मिहाद। अब देखिए आप, वइदा क़ीला लहु, जब उसको कहा जाता है, वइदा क़ीला लहु, जब उसको कहा जाता है इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, अख़ज़त लिल्इज़्ज़त बिल्इस्म, तो वह जिद में आकर के और गुनाह करता है। मैंने क्या अभी बताया ना, वो जिद में आकर के, और जब उसको कहा जाए भाई ए बाबू तुम अच्छा से गाड़ी चलाओ थोड़ा सा,
देखो कम से कम पुलिस आगे है, मालूम चला कि पुलिस खामखा तुम्हारी गाड़ी को भी उठा करके ले जाओ, तुमको भी ले जाकर के लॉकर में बंद कर दे, है ना। तो क्या करते हैं, तो वो जिद में आकर के और गुनाह करता है, यानी और तेज गाड़ी चलाता है। उसी को देखिए, वैदा किला लहु तकिल्ला, और जब उसको कहा जाए अल्लाह से डरो, अखजत हुल इज्जत बिल इस्म, तो वह जिद में आकर के और गुनाह करता है। फहस्बुहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना क्या है, जहन्नम है। वला बी इसल मिहाद, और वह जरूर बहुत बुरा ठिकाना है। यकीनन जाने जो ऐसे लोग करते हैं ना, वो जमीन में क्या है, फितना फसाद फैलाना चाहते हैं। जो जमीन में फितना फसाद फैलाना चाहता है, अल्लाह उसको पसंद नहीं फरमाता है। अगर उसको समझाया जाए ना, तो अगर वो उस बात उसकी और अगर वो बात को नहीं मानता है, तो यकीनन जाने अल्लाह फरमाता है उसका ठिकाना जहन्नम है। और जहन्नम एक ऐसा ठिकाना है।